हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 2.42। देखिए, बाकी क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान होने वाला है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, 81 है, और उसमें 31.7% मोर न्यूट्रॉन मौजूद हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन से इतने ज़्यादा परसेंट न्यूट्रॉन मौजूद हैं। असाइन करना है एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक सिंबल हमें बताना है। बताइए, इजी हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, कहने कि प्रोटॉन किससे 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन है, ठीक। तो मान लीजिए उसमें प्रोटॉन कितने हैं, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एक्स। कितने प्रोटॉन है उसके अंदर, मान लीजिए एक्स है, अगर एक्स प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, एक्स से 31.7% ज्यादा। समझिए बात को, एक्स से, एक्स मान लीजिए ये रहा हमारा एक्स प्रोटॉन, और इससे 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन मौजूद है, यानी एक्स का 31.7% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे, 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, इतना परसेंट क्या मौजूद है न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स, ये रहे हमारे एक्स प्रोटॉन, और प्लस एक्स का 31.7%, इतना ज्यादा हमारे पास क्या मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है। तो इसको हम जब 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.2 कदम यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 0.317x आ जाएगा। 1x में इतना जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा, 1.317x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 1.317x। इतने हमारे पास क्या मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अभी हमें क्या पता है, मास नंबर हमें दिया हुआ है, मास नंबर कितना है 81 है, और फॉर्मूला हमें क्या पता है कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो हमारा योग होता है वो किसके बराबर होता है, मास नंबर के, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो टोटल होते हैं वो मास नंबर बनाते हैं। पता है ना कि क्या बताते हैं, रदरफोर्ड की टोटल मास जो होता है उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है, न्यूक्लियस में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। अभी मास नंबर हमें दिया हुआ है कितना है 81, तो ए की जगह पर हम क्या रख देंगे 81, ए की जगह पर हमने क्या रख दिया 81। प्रोटॉन हमारे कितने हैं, प्रोटॉन हमारे हैं एक्स, तो प्रोटॉन हमने कितने रख दिए एक्स रख दिए, और न्यूट्रॉन हमारे कितने आए 1.317x, तो न्यूट्रॉन हमने कितने रख दिए, ये अच्छा डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ये हम क्या रख देंगे न्यूट्रॉन यहीं पर रख लेते हैं, न्यूट्रॉन कितने हमारे 1.317x, और प्रोटॉन हमारे कितने हैं, प्रोटॉन हमारे एक्स हैं, ए कितना है 81। तो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1x जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2.317x इक्वल टू 81। एक्स को यहीं रखिए, ये वैल्यू हमारी कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 2.317। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएंगे, कितने 0 बढ़ जाएंगे, 3 डिजिट हैं तो 3 वैल्यू बढ़ जाएंगी ऊपर, 3 0 बढ़ जाएंगे, डिवाइड कर लीजिए क्या है 2317, 81 और 3 0 है हमारे पास, कितनी बार चला जाएगा, 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, तो हम ले जाते हैं इसको 3 बार, 3 7 जा 21 का 1 2 आया, 3 1 2 5 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। 10 में से 1 के कितना बचा 9, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, और 7 में से 6 गया कितना बचा 1। पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, कितनी बार चला जाए, अच्छा अभी पॉइंट नहीं, भी ये वाली 0 है तो ये 0 उतार लेंगे, अभी कितनी बार चला जाएगा 5 3 15 और 5 10 और 11, 5 बार ले आके देखते हैं, 5 7 35 का 5 हंसे लगा 3, 5 5 3 8 और 5 3 15 का 5 हंसे लगा 1, 5 10 और 11, तो लगभग में देखिए उतना ही चला जाएगा, ठीक है। तो हम लगभग में क्या लिख लेते हैं, लगभग में हमारा गया कितना 35, 34 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, वो 35 ही हमारा हो जाएगा। तो 35 हमें क्या पता चल गया, एक्स, एक्स यानी प्रोटॉन, और हम क्या जानते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो ऊपर वाला हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं पहले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होते हैं एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकल के आए हमारे 35, तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा 35। अब हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम किसी एटम का सिंबल लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं एटॉमिक मास और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर।
तो देखिए हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना आया है 35, और एटॉमिक मास कितना आया है 81, राइट। इसको हम हटा लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास है 81 और हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 35। 35 इसका होता है ब्रोमीन का, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। समझ में आया, होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।